वालेकुम एवरीवन, आज मैं फिर लेके आ गई बहुत ही इजी दाल गोश्त की रेसिपी। तो चलिए फटाफट देर ना करते हैं और बताते हैं उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेगा। तो लेट्स स्टार्ट। दाल गोश्त बनाने के लिए मैंने 1 kg मटन ले ली और 1 चम्मच नमक डाल दी। बॉईल करने के लिए चढ़ा देते हैं तकरीबन 4 से 5 मिसल आने के लिए, क्योंकि दाल गोश्त का गोश्त जो है फ्रेंड हल्का अच्छा सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत ना बहुत ज्यादा गला ना बहुत ज्यादा कड़क। देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डलता है। तो मैंने यहाँ 3 बड़े साइज का प्याज कट कर ली, फाइनल चॉप ले ली, और यहाँ 300 ग्राम लौकी, इसको भी बड़े क्यूब्स में कट कर दी हूँ। 1 मुट्ठी पूरे भर के पुदीना लेना है। आलू में नॉर्मली मसाला लेना है, जैसे लहसुन ले ली हूँ 2 पीस और 5 से 7 पीस लाल मिर्च ले ली हूँ, जीरा काली मिर्च और अदरक ले लिया गया है, इसको अच्छी पेस्ट बना देना है। अब गोश्त के तरफ देखते हैं, गोश्त भी अच्छा बॉयल हो गया है तो गोश्त को एक साइड कर देना है। और गोश्त अच्छे से बॉयल हो गया तो मैंने 3 तरह का दाल ले ली हूँ, चना दाल, तूर दाल और मूंग की दाल, तीनों एक कटोरी लेना और इसको भी अच्छे से बॉयल कर देना है, और 1 तेज पत्ता और नमक हल्दी डाल के बॉयल कर देना है। और दूसरी तरफ मैंने तड़के के लिए लगा दी हूँ, 2 से 3 कप मैंने तेल ले ली हूँ, चक्रफूल ले ली हूँ, तेज पत्ता ले ली हूँ और बड़ी इलायची, उसको अच्छे से ब्राउन करना है। उसके बाद फिर प्याज मैंने 3 बड़े साइज का ली, उसको भी काट के अच्छा गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो ये जो मसाला पिसा हो ये भी डाल देना और अच्छे से इसको पकाना है कम से कम 5 से 10 मिनट। देखिए कुछ इस तरीके से मसाला दिख रहा है, बहुत ही अच्छा कलर। मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें लौकी डाल देना है। लौकी डालने के बाद गोश्त डाल के और अच्छे से और भूनते रहना है जब तक उसका तेल ना छोड़ दे। और 1 मुट्ठी भर के पुदीना डाल दी और इसको अच्छे तरीके से चला रही है। और ऊपर से गार्निशिंग करने के लिए मैंने 1 बड़ी साइज की प्याज ब्राउन करके रख दी और पुदीना और धनिया पत्ती से अच्छे से गार्निश करना है। और जो यहाँ दाल भी रखी हुई थी वो भी पक गई है और इसको साइड कर लिया और मसाले को अच्छे से भुनना है। और देखिए गोश्त भी अच्छे से पक गया है और पूरा मसाला तेल छोड़ दे, उसके बाद फिर अच्छे से बन जाए, पूरा मसाला भुन जाए, तो फिर मैंने दाल ऊपर से डाल दी हूँ और उसको अच्छे से मिक्स कर दी हूँ। और देखिए माशाल्लाह दाल गोश्त बन के तैयार हो गया है। फिर एंड में सारा धनिया पत्ती पुदीना से गार्निशिंग कर दीजिए, ऊपर से प्याज डाल दीजिए।